मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोफेशनल ईमेल आपको आते हैं या जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, कंपनीज होती है, वहाँ पर जब ईमेल आते हैं तो आपने ये इस तरीके से जो नाम नीचे सिग्नेचर में लिखा आता है वार्म रिगार्ड्स के साथ, दोस्तों ये कैसे सेटअप किया जाता है और मान लीजिए कि मुझे मल्टीपल सेटअप्स करने हैं तो मल्टीपल सेटअप्स कैसे होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहले दोस्तों हमें यहाँ सेटिंग्स में जाकर सिग्नेचर में जाना पड़ता था, और वो क्योंकि इसके अंदर बहुत सेटिंग्स होती हैं जीमेल की, तो वहाँ जाने में दिक्कत होती थी। अब क्योंकि जीमेल अपडेट होता रहता है तो आप ये ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इंसर्ट सिग्नेचर पर आप जाएंगे तो क्योंकि मैंने एक सेट किया हुआ है तो वो यहाँ आ रहा है। मैं यहाँ मैनेज सिग्नेचर पर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों ये सेटिंग्स लोड हो रही हैं, और लोड होने के बाद ये ओपन हो गया है। हमें यहाँ से ड्रैग करके जो है सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर चलना है, और सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर चलने के बाद देखिए दोस्तों ये यहाँ आपको दिख रहा है। अब ये किस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, मान लीजिए मैं पहले आपको ये यहाँ से डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ क्रिएट न्यू इस तरीके से लिखा आएगा, और मैं यहाँ पर पहले आपको देना होगा इसका नाम जो है। जैसे ही आप यहाँ पर नाम देंगे, ये इस नाम से दोस्तों क्रिएट हो गया है, हमने क्रिएट कर दिया है। अब आप यहाँ मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लिख दिया विद वार्म रिगार्ड्स, और एंटर करके ये इस तरीके से हम यहाँ नाम लिख देते हैं। देन हम यहाँ लिख सकते हैं मान लीजिए विवेक भारद्वाज यूट्यूबर, और ये यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों इसका अगर फॉन्ट चेंज करना चाहें तो ये आप फॉन्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी फॉन्ट आपको ठीक लगे आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। और हम अभी इसको यहीं बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। दोस्तों यहाँ से आप इनको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। देन यहाँ पर आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं, ये पोर्शन बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। तो मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया है, और दोस्तों ये यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट हो गया है। और यहाँ पर अब क्योंकि इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर अलाइन भी कर सकते थे और भी जो आप काम कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मान लीजिए ये एक हो गया है, अब मैं आपको ये यहाँ से कंपोज करके दिखा देता हूँ। ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर आना शुरू होगा, और वो आने के लिए दोस्तों हमें करना क्या है, ये यहाँ से जो है नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है सेव चेंजेस, ये सेव चेंजेस कर दिए हैं मैंने। जैसे ही दोस्तों ये लोडिंग और ये यहाँ पर सेव, ये देखिए ये सेव हो गया है। अब मैं यहाँ कंपोज करूँगा जैसे ही, तो दोस्तों यहाँ हमें सेलेक्ट करना होगा ये इंसर्ट सिग्नेचर, और अभी नो सिग्नेचर पर मार्क है, मैंने यहाँ कर दिया है विवेक भारद्वाज। तो देखिए ये यहाँ पर आ गया है। एक दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर जो डैश का साइन होता है, उसको लाने के लिए हम मैंने सिग्नेचर पर चलते हैं। मैंने सिग्नेचर पर चलने के बाद जो है हमें यहाँ से जो ये सेटिंग्स होती है उसी में आप देख पा रहे होंगे, ये हमने यहाँ से किया हुआ है। अब दोस्तों ये नीचे जो आपको दिख रहा है सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट की जगह अब अगर हम यहाँ विवेक भारद्वाज सेट कर देंगे तो दो ऑप्शंस हैं, न्यू ईमेल्स के लिए यहाँ पर और रिप्लाई फॉरवर्ड, और अक्सर हम दोनों में ही इस मैसेज को लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर दोनों में सेलेक्ट कर दिया है। मैं यहाँ से ये हटाता हूँ इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर क्वोटेड टेक्स्ट इन रिप्लाइज टू रिमूव दी, ये लाइंस के साथ। अब मैं इसको जो है यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे ही सेव होगा मैं आपको फिर से कंपोज करके दिखाऊंगा। ये देखिए कंपोज करके ये आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जो लाइंस आ गए हैं, और अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये लिखा आ रहा है, और ये ऑटोमेटिकली नीचे रहेगा। आप यहां से जो है इसको सेलेक्ट कर देंगे, और अब ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, जितनी बार भी हम कंपोज करेंगे तो ये यहां पर आपको नाम प्रॉपरली दिखेगा दोस्तों। अब जो दूसरा काम है, मान लीजिए आप मल्टीपल रोल रखते हैं, मान लीजिए जैसे मैं 2 से 3 काम करता हूं दोस्तों, तो उसके लिए मुझे अलग अलग सिग्नेचर बनाने हैं। मैटर करता है कि मैं कब कौन सी आईडी से कौन सा मेल करूँगा, तो मैं एक सिग्नेचर और ऐड करके आपको दिखाऊँगा। मैं या मैंने सिग्नेचर पर चलता हूँ। मैंने सिग्नेचर पर जाने के बाद दोस्तों हम वापस से यहीं आएंगे, यहाँ आने के बाद फिर से क्रिएट न्यू करते हैं, ये बना रहेगा। क्रिएट न्यू करने के बाद मैं एक बार सेम नेम फिर से देकर देखता हूँ, देखते हैं यहाँ पर
कोई मैसेज एरर आता है क्या? यहाँ लिखा गया है कि ये नेम आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो हम उसको यहाँ उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, पहले सरनेम फिर नेम, और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है भारद्वाज विवेक। अब मैं करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिख देता हूँ विद वार्म रिगार्ड्स, और इस तरीके से यहाँ मैं अपना नाम लिखूँगा। देन मान लीजिए अब मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ अब मैंने यहाँ लिख दिया है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मान लीजिए ये इस तरीके से मैंने लिख दिया है। और अब मैं इसको सेलेक्ट करके इनको चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पर मैं इसका भी कलर रख देता हूँ, ये मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा आ गया है, और हमें करना क्या है, हमें यहाँ दोस्तों नीचे चलना है, यहाँ चलने के बाद इसको सेव कर देना है। ये हमने सेव कर दिया है, सेव चेंजेस जैसे ही सेव होंगे। अब दोस्तों क्योंकि मल्टीपल सिग्नेचर्स मैंने यहाँ बना दिए हैं, और मान लीजिए मुझे एक ईमेल कंपोज करना है, तो मैं ईमेल कंपोज, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सिग्नेचर को यहाँ से सिलेक्ट कर रखा था। मान लीजिए मैं यहाँ नो सिग्नेचर कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ से कंपोज करूँगा, तो यहाँ पर क्योंकि उसके लिए मैंने नो सिग्नेचर किया हुआ था, अब मैं यहाँ जिसको भी मेल कर रहा हूँ सब्जेक्ट लिखूँगा, यहाँ उसका बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट लिखा जाएगा। अब दोस्तों मुझे बीइंग अ फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर करना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और भारद्वाज विवेक वाले को सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए ये यहाँ पर चेंज हो गया है विद वार्म रिगार्ड्स। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इस तरीके से, और ये जो है दोस्तों यहाँ पर आता जाएगा, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के साइन के साथ ये जाएगा। मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज करके दूसरा ये यूट्यूबर कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं करना है तो नो सिग्नेचर करता हूँ। तो दोस्तों ये तरीका था, आप लोगों ने ऐसे काफ़ी सारे ईमेल्स देखे होंगे, और जब ऐसे ईमेल्स आते हैं तो मान लीजिए हम कोई भी ओपन करते हैं, और नीचे जो दोस्तों लिखा होता है उसमें नीचे कंपनी का या प्रोफेशनल या जो भी व्यक्ति होता है वो अपना यहाँ पर डेजिग्नेशन के साथ जो है रिप्लाई देता है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ इसलिए होता है क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ईमेल्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे ईमेल्स हमें करने पड़ते हैं बार बार विद वार्म रिगार्ड्स और अपना नाम और डेजिग्नेशन लिखने से बेहतर है कि हम दोस्तों उसका सिग्नेचर साइन बना लें, और सिग्नेचर साइन बनाने के बाद जो है हम उसका यहाँ से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। इसलिए दोस्तों मैंने आज ये वीडियो लेकर आया, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है, काफ़ी सारे लोग प्रोफेशनल वीडियो ईमेल किस तरीके से करते हैं इसके ऊपर भी अगर आप कहेंगे कमेंट में, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल मेल ईमेल कैसे किया जाता है, कैसे हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक। इन सब के लिए दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।